खबर कनाडा से, यहाँ के रिचमंड हिल शहर में महात्मा गांधी की मूर्ति को अपमानित किया गया। यहाँ पर 30 साल से लगे गांधी जी की एक प्रतिमा से छेड़खानी हुई है, अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं। टोरंटो के भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने इस पूरे कृत्य की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंची है, आहत हुई है। कनाडा से खबर आ रही है, अपमानजनक शब्द इस प्रतिमा पर लिखे गए, इस प्रतिमा के साथ गांधी जी की इस मूर्ति के साथ छेड़खानी हुई है। मनीष शुक्ला, 30 साल से ये प्रतिमा यहाँ पर थी, जिस तरीके से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और जो एक्शन अब तक लिया गया, मैं चाहूंगी आप बताएं क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं। प्रतिमा को तोड़ा जाता है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या डिटेल्स है आपके पास मनीष? देखिए निधि, कनाडा के रिचमंड हिल इलाके में गांधी जी की जो बहुत पुरानी स्टैचू वहाँ पर लगी हुई है, और उस स्टैचू में रात के दौरान कुछ लोगों ने आपत्तिजनक बातें लिखी, जिसमें खालिस्तान तक का लिखा गया, खालिस्तान की बातें लिखी गई। तो एक बात तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई खालिस्तान से लिंक कोई ग्रुप है जिसने इस तरीके की काम किया है। दूसरी बड़ी बात कि घटना को अंजाम देने के बाद बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर इसको जारी किया गया। जिनको टैग किया गया उसमें हमें भी टैग किया गया था, हमें भी ये वीडियो मिला है। जो सबसे बड़ी बात है कि कनाडा में जो इंडियन कॉन्सुलेट्स है उसने कनाडियन सरकार से, कनाडियन पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि ये हेट क्राइम का मामला है और इसमें जिन लोगों ने ये एक्शन किया है, ये काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दीदी आपको मैं बताऊं कि थोड़ी देर पहले ही कनाडियन पुलिस ने इस मामले में केस भी रजिस्टर किया है हेट क्राइम का। अब ये देखना होगा कि किनको पकड़ा जाता है, इनमें कौन गिरफ्तार होते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार ये देखा गया US में, कनाडा में, कि गांधी जी की मूर्ति पे जो तिरंगा लगा है उसको निकाल करके खालिस्तान के झंडे लगाए गए। एक दो वीडियोज आए जिसमें सिख फॉर जस्टिस ने क्लेम किया था कि उन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं। अब चूंकि ये जो घटना, नई घटना सामने आई है, ये इस ग्रुप के पीछे कौन है, क्या इसका मकसद है, ये जांच का विषय है। लेकिन हम सब जानते हैं कि गांधी जी भारत के नहीं पूरी दुनिया के एक लोकप्रिय लीडर हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनकी काफ़ी इज्जत है। जिस तरीके से उन्होंने अहिंसा के रास्ते भारत को आज़ादी दिलाई, उनकी फिलासफी को काफ़ी लाइक किया जाता है। तो सिर्फ ये भारत का इशू नहीं है, कनाडा में कनाडियन लोग भी इसको लेकर के काफ़ी एक तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ पुलिस इस मामले में काम करती है। भारतीय कॉन्सुलेट है, उन्होंने रिएक्ट किया, इस पूरे मामले में निंदा भी की है।